हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डू अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ वी आर गोइंग टू राइट अ नोटिस। बच्चे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये चीज़ आपकी 10th 12th तक काम आएगी। अगर आपने अभी ये चीज़ सीख ली तो आप जो है प्रैक्टिस करते करते 10th 12th में बहुत अच्छे से ये काम कर पाएंगे। ओके, देखिए इसमें क्या है, राइट अ नोटिस। नोटिस का मतलब क्या होता है बच्चे, सूचना। ठीक है, जैसे आपको सूचना दी जाती है ना, जैसे आपको बताया जाता है कि कल की छुट्टी रहेगी या ये होगा वो होगा, हाँ कि एडमिशन इतनी डेट से स्टार्ट होंगे, तो इस तरह से आपको क्या दिया जाता है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो नोटिस जो है वो सूचना को सिग्निफाई करता है कि क्या सूचना दी जा रही है। आप लोग देखेंगे आजकल एडमिशन चल रहे तो बाहर भी बहुत सारे नोटिस लगे होते हैं, हाँ नोटिस बोर्ड के ऊपर। तो नोटिस में क्या होता है, अ नोटिस टेल्स हु व्हेन वेयर एंड व्हाट, कि इसमें सब होता है कि कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कोई भी काम होता है नोटिस के अंदर, कुछ भी प्रोग्राम के बारे में बताया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होना है, तो उसमें बताया जाएगा कि एनुअल फंक्शन कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो आपका स्कूल कर रहा है। कब कर रहा है, मान लीजिए वो 15 अगस्त को कर रहे हैं। वेयर, कहाँ कर रहे हैं, जैसे आपने देखा था आपका एनुअल फंक्शन कहाँ होता है, ऑडिटोरियम में होता है या आईआईटी के ऑडिटोरियम में होता है या उधर अंदर कैंट में होता है ना, तो कहाँ हो रहा है और कब। व्हाट मतलब क्या, उसमें क्या क्या होगा। ठीक है, कल्चरल प्रोग्राम होंगे या किसी की स्पीच होगी या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें आपको एक नोटिस दिया हुआ है, ध्यान से सभी बच्चे ये नोटिस देखेंगे। ये वाला नोटिस जो दिया है इसमें क्या है कि एक देखिए, इसमें आप नोटिस को सबसे पहले हम रीड करेंगे। द ड्रामा कमेटी, ड्रामा कमेटी क्या होता है बच्चे, जिसे हमारा CCA का एक वो कमेटी होती है ना जिसमें हम प्रोग्राम करते हैं, तो ड्रामा कमेटी मतलब कि जो कुछ प्ले करते हैं, नाटक करते हैं ना स्कूल में, आप देखते हैं एनुअल फंक्शन में नाटक होते हैं, तो ड्रामा कमेटी विल मीट इन द क्लासरूम ऑन मंडे। तो ये बता रहे हैं कि ड्रामा कमेटी की मीटिंग होगी, कब होगी, क्लासरूम में होगी, कहाँ होगी, क्लासरूम में होगी और कब होगी, कहाँ होगी, क्लासरूम में और कब होगी, मंडे को होगी, और कितने बजे होगी, 2 बजे होगी। बता दिया ना एक ही लाइन में सब कुछ, कि जो ड्रामा कमेटी जो है उनकी मीटिंग होगी क्लासरूम में मंडे को 2 बजे। हाँ, तो किस लिए हो रही है, अब वो वी विल प्लान अ प्ले फॉर एनुअल डे, कि एनुअल डे होना है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्लान करेंगे कि एनुअल डे पर हम प्ले मतलब एक तो होता है खेलना, एक प्ले होता है नाटक करना। ठीक है, कि हम कुछ नाटक प्ले करेंगे। विल ईच वन ऑफ यू प्लीज़ ब्रिंग अ प्ले, भी आप कोई, जैसे हम कहते हैं ना कि चलो कल कहानी सुनानी है तो सब बच्चे कोई ना कोई कहानी सोच के आएंगे, तो आपको नाटक करना है तो सभी बच्चे क्या करेंगे, एक एक प्ले सोच के आना, फिर देखेंगे कौन सा अच्छा, और लास्ट में फिर हम लिख देते हैं नेम। तो ये चीज़ समझ में आई बच्चे आप लोगों को। अब देखिए, यहाँ देखिए, अभी मैंने आपको जो बताया कि नोटिस के लिए क्या होता है, आप, अब मैं आपको सिंपल तरीका बताती हूँ आप नोटिस कैसे लिखते हैं। जैसे सबसे पहले जब आप नोटिस लिखने जाते हैं, आपने ऊपर पेपर के ऊपर लिखा नोटिस, फिर आप बनाते हैं एक बॉक्स। ठीक है, एक बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद आप नेम ऑफ द स्कूल, कि कौन से स्कूल का नोटिस है ये, आप बाहर देखेंगे जब भी कोई नोटिस लगता है तो उसके ऊपर स्कूल का नाम लिखा होता है, फिर हम लिखते हैं साइड में डेट कि आपने ये नोटिस कौन सी डेट को लिखा है। अब देखिए, इट इज़ टू इन्फॉर्म यू, इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ टू इन्फॉर्म यू, कि आपको सूचित किया जाता है दैट, अब यहाँ पर आप लिखेंगे कोई भी प्रोग्राम, जैसे आपने मान लीजिए लिखा एनुअल डे, दैट एनुअल डे, ठीक है, विल बी ऑन, एनुअल डे कब होगा, मान लीजिए आपने लिखा 15 अगस्त को, एट कहाँ होगा, आपने प्लेस लिख दिया स्कूल प्लेग्राउंड। दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट, कि जो अपना पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कैन सेंड देयर नेम्स टू, अब किसको भेजना है नाम, जैसे CCA इंचार्ज को भेजना है, हाँ, या किसी पर्टिकुलर टीचर का नाम मेंशन कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज डैश, और लास्ट डेट भी लिख देंगे, ये नहीं कि
पता ही नहीं है कि कब तक प्रोग्राम होगा, कब तक लिखना है। तो आपने लिख दिया लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज डैश, और फिर आपने लिखा यहाँ पे नेम। तो सभी बच्चों को पता चला नोटिस का फॉर्मेट कि नोटिस कैसे लिखते हैं। अब देखिए, अब आपको एक इसी में बुक में ही कहा गया है कि आपको नोटिस लिखना है अबाउट अ लाइब्रेरी कमेटी और फुटबॉल मैच। तो चलिए, मैंने फुटबॉल मैच का नोटिस लिखा है, सभी बच्चे ये नोटिस अपनी कॉपी में करेंगे आज। फिर मैं आपको एक और नोटिस दूंगी लिखने के लिए, आप सब अपने आप लिखेंगे, ठीक है। चलिए, अभी मैंने आपको क्या बताया था, जब हम नोटिस लिखते हैं तो सबसे पहले आपने क्या किया है, स्कूल का नाम लिखा है, अपने स्कूल का नाम लिखा है KV नंबर 1 रुड़की। उसके बाद आपने डेट लिखी है। जैसे आपको लेटर लिखना सिखाया था उसका एक फॉर्मेट होता है, प्रैक्टिस किया करो बच्चे उसकी भी, तो अब आपको नोटिस लिखना सिखा रहे हैं कि आपने क्या किया, सबसे पहले स्कूल का नाम लिखा, फिर डेट लिखी, फिर आपने क्या बताना है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट देयर विल बी अ फुटबॉल मैच। कि क्या होगा, फुटबॉल मैच होगा, कब होगा, ऑन 20 अगस्त को, 20 तारीख को होगा, कहाँ होगा, एट स्कूल प्लेग्राउंड। हाँ, कितने बजे होगा, एट 4 o'clock इन द इवनिंग, ठीक है। फिर दोज हु वॉन्ट टू पार्टिसिपेट, कि जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कैन सेंड देयर नेम टू PT टीचर, गेम्स के टीचर को दे सकते हैं, PT टीचर भी बोलते हैं उनको। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज 17। अब देखो, 13 को आप नोटिस लिख रहे हैं, 20 को प्रोग्राम होगा, तो 17 को हमने दे दी कि लास्ट डेट है, और लास्ट में हमने अपना नाम लिख दिया, ठीक है। तो समझ में आया सबको, बच्चे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको ये नोटिस लिखना आ जाता है तो आप 10th 12th में एक टॉपिक होता है 5 या 10 नंबर का ही आता है, बहुत अच्छे से नंबर आप गेन कर सकते हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से देख के इसे समझने की कोशिश करेंगे, नोटिस लिखना सीखेंगे, ठीक है। और फिर जो है मैं आपको कोई और नोटिस लिखने के लिए दूंगी। समझ में आया सबको, तो सबसे पहले आपने बस ध्यान क्या रखना है कि आप देखेंगे नोटिस में आपको बताया है कि आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है, हु कि कौन कर रहा है, तो जैसे आपने स्कूल का नाम लिख दिया, व्हेन कब कर रहे हो कोई प्रोग्राम, वेयर कहाँ कर रहे हो, और व्हाट, कि ये चार चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और आप नोटिस लिखेंगे सभी बच्चे। ओके, थैंक यू।